तो चलिए आज का उपाय शुरू करते हैं। ध्यान से सुनना है, कोई गलती नहीं करनी है। मंगलवार के दिन यह उपाय आपने करना है, सुबह के टाइम इसको करना है। और अब मैं आपको धीरे आराम से बताता हूँ उपाय की सारी विधि। नमस्कार, आप देख रहे हैं ज्योतिष मिराकल और मैं पंडित नितिन शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूँ। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। अगर आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आ रहे या आपकी दुकान में किसी भी तरह से कोई दिक्कत है जिसके कारण आपका माल नहीं बिक रहा, तो आपको आज का ये एपिसोड पूरा देखना चाहिए। हम एपिसोड बनाते हैं, मेहनत करते हैं आपके लिए। आप जल्दबाजी करते हैं, एपिसोड को काट काट के देखते हैं, जिसके कारण कोई ना कोई महत्वपूर्ण जानकारी आपसे मिस हो जाती है। और बाद में आप बोलते हैं कि शास्त्री जी हमने उपाय किया था, उसका कोई भी रिजल्ट नहीं मिला। मैं आपको बार बार कहता हूँ, वीडियो को आप स्किप ना करें, वरना कोई जानकारी आपसे मिस जरूर होगी। उपाय को जब तक आप अच्छी तरह नहीं सुनेंगे, पूरा उपाय नहीं करेंगे, कोई भी रिजल्ट आपको नहीं मिलेगा। साथियों, मेरी कोशिश रहती है कि मैं आपके लिए ऐसे उपाय लेकर के आऊं जो आपको करने में भी इजी हो और कुछ ही दिनों में आपकी दुकान में ग्राहक आना शुरू हो जाए। तो मेरी आपसे बार बार रिक्वेस्ट है, एपिसोड को आप पूरा देखें, अच्छी तरह देखें, जिससे उपाय अच्छी तरह आप कर पाए। तो चलिए आज का उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। लेकिन उससे पहले, अगर आप पहली बार पंडित नितिन शास्त्री ज्योतिष मिराकल चैनल पर आए हैं, अभी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, ताकि आपको आने वाले हर एपिसोड का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। जय माता की। तो मेरे प्यारे बंधुजनों, सबसे पहले तो मैं आपको ब्रीफ करवा देता हूँ कि ये उपाय किन लोगों के लिए काम करने वाला है। अगर आपकी दुकान को बहुत लंबा टाइम हो गया है, फिर भी आपकी दुकान में ग्राहक नहीं आते, या जो लोग जिनको ऐसा लगता है कि उनकी दुकान पर किसी ने कुछ करवा दिया है, या कोई उनसे जलता है, कोई शत्रु है जो उनके काम को देखकर खुश नहीं है और दुकान पर बंधन लगवा दिया है, उन लोगों के लिए ये उपाय बहुत ज्यादा लाभदायक है, बहुत ज्यादा काम करने वाला है। उसके अलावा ऐसे लोग जिनका दुकान कुछ दिन तो ठीक चलता है, फिर डाउन हो जाता है, या उनका दुकान एक हफ्ता अच्छा चलेगा, एक हफ्ता बिल्कुल भी ग्राहक नहीं आएंगे, उनके लिए भी ये उपाय बहुत ही अमृत सिद्ध होने वाला है। इस उपाय को करने के जो रिजल्ट हैं, वो आपको 10 से 15 दिन के भीतर मिलना शुरू हो जाएंगे। और उन लेडीज के लिए ये उपाय तो विशेष रूप से है, जो जिनका पार्लर है, जिनका पार्लर नहीं चलता, क्योंकि हमारे पास बहुत सारी हमारी माताओं बहनों के प्रश्न आते हैं पार्लर को लेकर, कि पार्लर को काफी टाइम हो गया फिर भी पार्लर नहीं चल रहा। आप माताओं बहनों के लिए भी ये आज का उपाय है, इसको आपने जरूर करना है। तो प्यारे बंधुजनों, अब उपाय मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। इस उपाय को बड़े गौर से और ध्यान पूर्वक आपने सुन करके करना है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ, अगर आपने सच्चे मन से इस उपाय को कर लिया, तो कोई भी ताकत ऐसी नहीं है जो आपकी दुकान पर ग्राहक आने से रोक दे। तो लेट्स स्टार्ट उपाय। मंगलवार के दिन सुबह आप जब अपनी दुकान पर आते हैं, तो उस समय आपने अपनी दुकान पर झाड़ू लगा लेना है, पोछा अगर लगाते हैं तो पोछा भी लगा लें। उसके बाद दुकान में आप जो दीपक जलाते हैं, धूप लगाते हैं, अपना पूजा पाठ का कार्य भी पूर्ण कर लें। उसके बाद आपने 50 ग्राम चावल, जी हाँ 50 ग्राम चावल लेने हैं। उन चावलों पर थोड़ा सा आपने कुमकुम, या जिसको सिंदूर भी बोलते हैं, वो लगा लेना है। लगाने के बाद अच्छी तरह से उन चावलों का रंग लाल हो जाए, ये आपने गौर कर लेना है। अब आपने इन चावलों को अपनी पूरी दुकान में अच्छी तरह से घुमा देना है, 7 बार। 7 बार अच्छी तरह से घुमा देने के बाद आप क्लॉकवाइज इनको घुमाना है, और उसके बाद आपने इन चावलों को अपनी दुकान से बाहर फेंकना है। एक बार में ही सारे चावल नहीं फेंकने हैं, आपने
11 बार थोड़े थोड़े चावल करके फेंकने हैं और 11वीं बार में जितने चावल बचेंगे वो सारे के सारे चावल आपने अपनी दुकान से बाहर फेंक देने हैं। और यहाँ पर आपने एक बात का ध्यान जरूर रखना है कि जब आप ये कार्य कर रहे होंगे उस टाइम किसी के साथ भी बातचीत आपने नहीं करनी है। जब आप ये उपाय शुरू कर देंगे किसी के साथ भी आपने बोलना नहीं है। अगर आप इस प्रयोग के दौरान बातचीत करेंगे या बीच में आप कोई और कार्य करेंगे तो ये उपाय वहीं पर निष्फल हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई भी रिजल्ट आपको इस उपाय का नहीं मिलेगा। तो प्यारे बंधुजनों ये उपाय आपने करना है लगातार 21 मंगलवार, जी हाँ बीच में कोई भी मंगलवार आपने मिस नहीं करना है। लगातार आपने 21 मंगलवार सुबह के टाइम अपने दुकान में इस प्रयोग को कर लेना है। मैं आपको विश्वास दिला सकता हूँ कि परमपिता परमात्मा बजरंग बली की कृपा से आपकी दुकान में दोबारा से ना तो कभी ग्राहकों की कमी होगी और ना ही आपकी माल बिकने में किसी प्रकार की अड़चन होगी। तो आशा करता हूँ आज का यह उपाय आपको बेहद पसंद आएगा। मिलेंगे अगले एपिसोड में किसी नए विषय के साथ, तब तक के लिए जय हनुमान।